फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में घर का जो कि फ्रंट साइड का एरिया हम जो पुट्टी मारते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स ये जो कि एरिया फ्रंट साइड का जो पुट्टी हम मारते हैं ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि हमारा बाहर का एरिया है बहुत अच्छा लुक देगा, इसलिए हम इसको मारते टाइम बहुत सावधान से मारना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब भी हम पुट्टी लगाते हैं तो इसको पूरा पूरी से ध्यान देंगे तो ये काम जो कि फ्रंट साइड का बहुत अच्छा होगा। ताकि आप काम करते टाइम इस बात को ध्यान में रखकर काम करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम इस एरिया को मारने के लिए पुट्टी को अच्छी तरह से मिक्सिंग करना पड़ेगा ताकि ये एरिया ख़राब ना हो। पहले हम उसका जो कि थोड़ा मीडियम साइज बनाएंगे ताकि ब्रश में अंदर को मार सके अच्छी तरह से। तो उसको हमने मीडियम साइज बनाया है पुट्टी को, ब्रश में एक बार या दो बार लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो कि ऊपर का एरिया जो डिजाइन का ऊपर का एरिया है ब्लेड में थोड़ा मोटा करके उसके ऊपर का एरिया को हम लगाएंगे अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स मिनिमम एक दिन वेट करने के बाद हम अगला दिन हम उसको पेपर लगाएंगे। पेपर जब लगाएंगे बहुत शाइनिंग रहेगा पेपर लगाने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ समय बाद उसके अंदर का एरिया को और बाहर का एरिया को कॉम्बिनेशन कलर ही हम लगाएंगे। तो अभी तो हमने तो कॉम्बिनेशन कलर नहीं लगाया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अंदर का जो कि एरिया है उसको डार्क कलर रखेंगे और बाहर को लाइटिंग कलर देंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनता है और घर का लुक भी अच्छा देता है। तो जब भी आप डिजाइन का काम करेंगे इस तरह का डिजाइन का काम तो आप ध्यान में रखकर ये सबको करेंगे। और ये डिजाइन का काम करते टाइम उसको एक बात ध्यान में रखेंगे आप अनो रहो तो जब भी काम करते हैं मिस्त्री लोग वो डिजाइन को कॉर्नर को अच्छी तरह से निकालने के लिए बोलेंगे ताकि पुट्टी मारते टाइम ये अच्छा निकलेगा। तो फ्रेंड्स आप जब भी फ्रंट साइड का काम करते हैं ये सबको ध्यान में रख कर करेंगे ताकि आपका काम अच्छा हो सके। और पुट्टी को मीडियम साइज रखेंगे तो आप डबल को लगाएंगे भी तो चलेगा, लेकिन अंदर के एरिया को बहुत अच्छी तरह से आप लगाएंगे ताकि वो कॉर्नर का एरिया बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही, इतना करके मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।